वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी करांगे इनथैलपी चेंज डेल्टा आर एच। आर मतलब रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन इनथैलपी चेंज की होंगी है। ठीक है, सपोज करो आप मीथेन दे कंबस्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो साढ़े को कार्बन डाइऑक्साइड तो वॉटर एज प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। नाउ वट इज़ द इनथैलपी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, इट इज इक्वल टू इनथैलपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इनथैलपी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट की है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो वॉटर। ठीक है, इनथैलपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस टू, टू ना क्यों मल्टीप्लाई किया बिकॉज हेयर इट इज रिटन एज टू, सो टू इंटू इनथैलपी ऑफ वॉटर माइनस रिएक्टेंट्स की है इनथैलपी ऑफ मीथेन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय इनथैलपी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इतने टू लगा। ठीक है, इस तरह तुसी कर सकते हो, सारे तुहानू गिवन होंगे वैल्यूज, तो तुसी इनथैलपी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन कर सकते हो। नैक्सट है स्टैंडर्ड इनथैलपी चेंज। स्टैंडर्ड इनथैलपी चेंज विच की हुंदा, रिएक्टेंट्स ते जिहड़े प्रोडक्ट्स होंगे वो स्टैंडर्ड स्टेज च होंगे, मतलब वो पर्टिकुलर एक टैंपरेचर गिवन होगा और एक बार प्रेशर होगा। ठीक है, डेल्टा एस ड्यूरिंग फेज चेंज। फेस चेंज विच की हुंदा है, अगला जो टॉपिक है इहदे विच है कि सपोज करो वाटर है, वाटर साढ़े को सॉयलिड स्टेज आइस की फॉर्म च है, तो वाटर लीक्विड स्टेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सब ए वाली रिएक्शन के दौरान जी इनथैलपी चेंज होंगी है, दैट इज़ इनथैलपी ऑफ फ्यूजन। इन्हें किदा तुसीं लिखना है, डेल्टा फ्यूजन एच उपर स्टैंडर्ड स्टेट का, तुसीं आ जिहड़ा आ साइन है स्टैंडर्ड स्टेट का। ठीक है, स्टैंडर्ड इनथैलपी का, द इनथैलपी चेंज दैट अकंपनीज मेल्टिंग ऑफ वन मोल ऑफ ए सबसटांस इन स्टैंडर्ड स्टेट। सबसटांस एक मोल है, ठीक है, उन्हें किधरों किधर नू जाना है, उन्हें मेल्ट होना है। ठीक है, मेल्ट होना मतलब सॉयलिड टू लीक्विड जाना, तो वन मोल जे ये आप जिम्मे वन मोल लिखा हुआ फिर आप कहेंगे मोलर इनथैलपी ऑफ फ्यूजन। जे स्टैंडर्ड स्टेट है सारा कुछ तो दैन की कहेंगे स्टैंडर्ड मोलर इनथैलपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग फेज चेंज इन स्टैंडर्ड इनथैलपी टैंपरेचर एंड प्रेशर शुड बी सेम। वही गल कि जो टैंपरेचर रिएक्शन दे स्टार्टिंग ते सी उही एंड ते होना चाहिए, प्रेशर जिहड़ा वन बार वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा इनथैलपी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब लीक्विड टू गैशियस स्टेट दे विच जाना, क्योंकि लीक्विड टू गैशियस स्टेट जाना सानू पता एनर्जी चाहिए है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज वन मोल ऑफ ए लीक्विड सबसटांस एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर एंड वन बार प्रेशर, वेपराइज करना लीक्विड नू गैशियस फॉर्म च। नैक्सट है इनथैलपी ऑफ सबलिमेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस है, ठीक है, सॉयलिड फॉर्म से इनू गैशियस से इन्हें डायरैक्टली चेंज होना, तो उन्होंने आप कि डिनोट करना डेल्टा सबलिमेशन एच स्टैंडर्ड स्टेट वाला साइन इजिकल टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है चाहिए है सानू। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सबलाइम वन मोल ऑफ ए सॉयलिड सबसटांस एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर एंड वन बार प्रेशर। ठीक है, नैक्सट बेटा इन मैरिकल स्पैसिफिक हीट न रिलेटड टॉपिक थोड़े सिलेबस तो कट्टे गया हूँ। नैक्सट है स्टैंडर्ड इनथैलपी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इनथैलपी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन दियर मोस्ट स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर इनथैलपी ऑफ फॉर्मेशन। बेटा देखो इनथैलपी ऑफ फॉर्मेशन विच हुंदा की है कि साढ़े कोल पहली गल जिहड़े जिवें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, पहली गल जिहड़े सारे कंपाउंड्स है वह अपनी स्टैंडर्ड स्टेट च होने चाहिए। जिवें ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट की है गैशियस ओ टू की फॉर्म च मिलता है। ठीक है, इस तरह कई लीक्विड की फॉर्म च मिलते हैं सानू रूम टैंपरेचर से, उन्होंने स्टैंडर्ड स्टेट्स है। ठीक है, और दूजी गल प्रेशर तुसीं वन बार रखना, टैंपरेचर जिहड़ा उन्हें कॉन्सटेंट रखना थ्रू आउट द रिएक्शन। तो इस टाइम पर यह जिन्हें स्टैंडर्ड स्टेट्स के एक मोल कंपाउंड बने अपने एलीमेंट्स तो, ठीक है, तो उन्होंने आप कहें स्टैंडर्ड इनथैलपी चेंज फॉर द फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इनथैलपी ऑफ फॉर्मेशन जो वन मोल है तो आपको कहना मोलर इनथैलपी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लैक्चर। थैंक यू।